हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल टेक्निकल सुमो पांडे में। आज मैं बात करने वाला हूँ बेस्ट फोर गेम के बारे में। तो आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं? एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं तो कभी कभी आप टाइम पास के लिए गेम भी खेलते हैं। तो गेम खेलते हैं, गेम खेलने के लिए आप प्ले स्टोर से बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं गेम। तो गेम डाउनलोड करते हैं तो उसमें अगर आपके मोबाइल में कभी, जैसे कि कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं जिसमें रैम कम होती है, तो रैम कम होने की वजह से आपका मोबाइल हैंग भी कर सकता है। तो आज जो मैं आपको बताऊंगा बेस्ट फोर गेम के बारे में, जो वो आपके मोबाइल में पड़े हुए हैं और आपको बिल्कुल भी नहीं पता है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूँ कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, आप लोग फेसबुक यूज़ करते हैं? तो फेसबुक यूज़ करते हैं तो मैसेंजर भी यूज़ करते होंगे। तो हमें जाना है मैसेंजर में। मैसेंजर में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी फ्रेंड हो आपका, अगर आप उस पर कुछ भी भेजते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर फुटबॉल भेज देता हूँ, ओके। तो फिर उसके बाद मैं बास्केटबॉल यहाँ पर उसे सेंड कर देता हूँ। सेंड करने के बाद आप यहाँ पर फुटबॉल पर क्लिक करेंगे। फुटबॉल पर क्लिक करने के बाद आपका यह ये जो गेम है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा गेम स्टार्ट हो गया है। तो इसी प्रकार से आप गेम खेल सकते हैं। तो मैं अब दूसरे गेम के बारे में आपको बता दूँ। ये देखिए, हमारा ये जो बास्केटबॉल है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बास्केट में ये जो बॉल है उसे डाल लिए। तो आप ये भी गेम बड़ी आसानी से खेल सकते हैं और बहुत ही अच्छा गेम है। तो मैं आपको अब तीसरे गेम के बारे में आपको बता दूं। तो तीसरे गेम जो है वो आपकी सेटिंग में है। तो आप सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे नीचे अबाउट डिवाइस लिखा हुआ है। अबाउट डिवाइस में जाने के बाद आप सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में जाएंगे। इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि एंड्रॉयड वर्जन, जो आपका एंड्रॉयड वर्जन है उस पर आप 3-4 बार क्लिक करेंगे तो जो भी आपका वर्जन होगा वो यहाँ पर देख सकते हैं कि खुल गया है। तो आप इस वर्जन पर आप क्लिक करते रहेंगे। 3-4 बार क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप, जब तक गेम शुरू नहीं हो जाता तब तक आप इस पर क्लिक करते रहेंगे। तो हमारा जो एंड्रॉयड वर्जन है वो लॉलीपॉप है। आपके मोबाइल में कुछ भी हो सकता है, जो भी आप कोई भी वर्जन हो, सभी वर्जन में गेम होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब तक हमारा गेम स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक हमें इस पर क्लिक करते रहना है। ये देखिए, हमारा गेम स्टार्ट हो गया है। तो हमें इसे कैसे खेलना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऊपर एक लॉलीपॉप होगा, एक नीचे होगा। तो हमें इस, देखिए ये इस टाइप का आपके में गेम आएगा। तो ये गेम बहुत ही अच्छा है और ये, इस गेम को आप आसान मत समझना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट गेम है। तो आप इसी प्रकार से गेम खेल सकते हैं अपने मोबाइल में, वो भी बिना डाउनलोड किए। तो मैं आपको चौथे गेम के बारे में बता देता हूँ। मैं अपने मोबाइल, जो हमारा मोबाइल डाटा है उसे मैं ऑफ़ कर देता हूँ। ऑफ़ करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं जाऊँगा क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आप यहाँ पर कुछ भी टाइप करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर कुछ भी आप टाइप कर दें, ओके। तो यहाँ पर मैं देख सकते हैं कि कुछ भी टाइप कर रहा हूँ। टाइप करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए, यू आर ऑफलाइन। तो यहाँ पर आपको डायनासोर नज़र आ रहा है, तो डायनासोर पर आप क्लिक करेंगे तो आपका गेम स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा गेम हमारे में। तो इसी प्रकार आप अपने मोबाइल में गेम खेल सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा गेम से रिलेटेड जो आपके मोबाइल में पड़े हुए हैं।